अब तक आपने देखा। तभी प्रियंका इच्छा पे अपने जहरीले वार करती है। क्या तुम ठीक हो ईशा? ईशा, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ हथियार बनाए हैं। इनका इस्तेमाल करके तुम भूतों को आसानी से हरा पाओगे। भील ये लो। मुझे पीछे से कवर चाहिए, मैं बल्कि के पास जा रहा हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। भील अपनी दोनों गॉन्टलेट निकाल लेता है और अकेले चार चार गोस्ट को एक साथ मारने लगता है। भील गोस्ट को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक पीछे से एक गोस्ट आ जाता है और भील के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी है अपना जादू दिखाना ही पड़ेगा। अनादि ऊपर हवा में उड़ने लगता है। अनादि अपनी शक्तियों से आसपास के पानी को कंट्रोल करने लगता है। यश और प्रिंस भी उसी तरफ थे। अरे मर गए प्रिंस, भागो! यश और प्रिंस वहां से भागने लगते हैं। थैंक यू ईशा। अनादि ज्यादा देर तक घोस्ट आर्मी को नहीं रोक पाएगा, हमें कुछ करना होगा। तुम अपनी सेना लेके आगे बढ़ो, मैं कोई उपाय करता हूं। ये कहां से आ गया? यश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वही स्केलेटन्स। ड्रैकुला तात्रिक अपने जादू से ओम भट स्वाहा। चंद्रिका,
वल्चस प्रभु की जय हो। अनादि अपनी शक्तियों से हमारी सेना पर हावी हो रहा है, कुछ कीजिए वल्चस प्रभु। अनादि के कारण जलचस की मृत्यु हुई थी, इसका अंत मेरे ही हाथों होगा। ओह नो, वो क्या है? यश, अनादि। प्रियंका, तुम जो रास्ता चुन रही हो वो सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसका उपयोग संभाल कर करना। सारे लोग अनादि की तरफ भागने लगते हैं। प्रकाश शक्ति। व्हील तुरंत अनादि के दिल की धड़कन चेक करता है। अब हमारे बीच नहीं रहा। उस्ताद, उस्ताद, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने भी अपनी माँ को खोया है, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं है। वल्चस की सेना हम पे हावी हो रही है। उस्ताद के नाम। ये क्या हो गया? जलमणि का रक्षक मर गया? कहीं वल्चस मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? गोस्ट हंटर्स और गोस्ट आर्मी के बीच पूरी रात फाइट होती है। फाइट करते करते प्रिंस की आधी सेना मर जाती है। ब्रिज के ऊपर डेड बॉडीज का ढेर लग गया था, लेकिन अभी तक वल्चस ब्रिज पर कदम नहीं रखा था। फाइट करते करते सुबह होने लगती है। गोस्ट हंटर्स राहत की सांस लेने लगते हैं। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। सूर्यास्त होते ही गोस्ट वापस अटैक करेंगे। हमारे आधे से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं। मैं रोम देश की सेना लेकर आता हूं। इस ब्रिज को तोड़ने का कोई उपाय तो होगा? नहीं, ब्रिज इस स्टोन की शक्तियों से बना हुआ है। कोई भी उसे तोड़ने जाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। टेप के हिसाब से ये ब्रिज केवल 8 दिनों तक ही अस्तित्व में रहेगा। उसके बाद स्टोन्स की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब अगर हम 8 दिनों तक वल्चस को रोक पाए तो दुनिया बच जाएगी। ऐसा इम्पॉसिबल है। वल्चस बहुत पावरफुल है, वो अकेले हमारी पूरी सेना को मार सकता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमारे जीते जी वल्चस दुनिया पर राज नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे शाम होने लगती है, लेकिन प्रिंस अभी तक सेना लेकर आया नहीं था। थोड़ी देर बाद सूर्यास्त होने लगता है और कोशिवर्स के कोष अटैक करने के लिए वापस तैयार हो जाते हैं। आज की रात हमारे लिए आखिरी रात हो सकती है, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वल्चस आज हमें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन हम मिलकर उसे रोकेंगे। जंग फिर से शुरू हो जाती है। प्रकाश शक्ति, चंद्रिका। प्रकाश शक्ति और चंद्रिका से सारे कोस को देख नहीं पा रहे थे। ब्रिजेश और ड्रैकुला तांत्रिक पीछे मुड़ के देखते हैं तो सारी को सेना गायब हो जाती है।
फिर रानी घोष को खत्म कर देती है, लेकिन तभी वहां माया भी आ जाता है और रजनी पे हमला कर देता है। भील और ब्रिजेश के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। भील ब्रिजेश पे हावी हो जाता है। वल्चस प्रभु के पास लेके जाता हूं, आखिर ये भी तो विक्रांत का बेटा है। यश, चंद्रिका। यश चंद्र शक्ति से ड्रैकुला तांत्रिक को मार देता है। वल्चस काली शक्तियों से अपनी दुनिया को कंट्रोल करता है। वल्चस को कोई नहीं रोक पा रहा था। वल्चस के सामने आते ही यश का ब्लड ब्लैक हो जाता है। यश का अपने माइंड से कंट्रोल चला जाता है और यश अपनी ही सेना पे अटैक करने लगता है। यश, ये सबको मार क्यों रहा है? वल्चस ईशा पे वार कर देता है। रजनी मायावी के सामने टिक नहीं पा रही थी। वो वहां से भागने की कोशिश करती है। रजनी बुरी तरह से घायल हो जाती है। रजनी, ब्रिजेश मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। रजनी, भील की नजर यश पे पड़ती है। यश, ये सही नहीं हो रहा है। यश को क्या हो गया है?
तभी प्रिंस रोम के सम्राट के साथ बहुत बड़ी सेना लेकर वहां पहुंच जाता है और घोस्ट सोप सम्राट के सोल्जर्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। प्रियंका पे जो वल्चर्स का कंट्रोल था वो खत्म हो जाता है। उसे सब याद आ जाता है। नहीं, यश भी वापस अपने कंट्रोल में आ जाता है। ये नहीं हो सकता, धरती पे घोस्ट का कंट्रोल कभी नहीं होगा। और प्रियंका ब्रिज तोड़ देती है। किट्टू, वॉर खत्म हुआ। वल्चर्स अपनी सेना के साथ वापस चले जाता है। जो स्टोन्स घोस्ट यूनिवर्स और पृथ्वी को कनेक्ट कर सकते थे वो भी खत्म हो गए हैं। धरती अब सेफ है।